पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पहुंची बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य के सामने ही पीड़िता ने अपने पिता के साथ पहुंचकर बाल अधिकार संरक्षण समिति और समाज कल्याण विभाग के बाबू के साथ एक वकील पर सरकार से मिलने वाले पैसे की एवज में रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। बाल आयोग की सदस्य के सामने आए इस मामले ने मौजूद सभी अधिकारियों को भी चौंका दिया। गुस्साई बाल आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल ने तुरंत मामले में जांच के आदेश दिए, साथ ही जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल मामला है जनपद मुरादाबाद का, जहां पर एक पीड़िता को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना के तहत सम्मान राशि मिली थी, लेकिन उसे पैसे को रिलीज करने से पहले समाज कल्याण विभाग के बाबू और बाल अधिकार संरक्षण समिति के अध्यक्ष के साथ एक वकील पर 80,000 रूपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने लिखित में शिकायत कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिस पर उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य ने जांच करने के आदेश दिए हैं। वो मामला जो समझ में आया है कि एक अनुसूचित प्रवर्ग की बच्ची है और मुसलमान लड़के से उसकी शादी वादी उसने किया, जो भी किया उसने समाज कल्याण से कह के किसी वकील ने उसको पैसे दिलाए। वो पैसे बता रही है कि हमने बाल कल्याण समिति को दिए हैं, तो उसी के लिए हमने कहा अगर ऐसा कुछ है आपने किसी के सामने दिया, कहती मैंने मेरे पापा ने दिए हैं, तो हमने कहा जो भी है आप लिखित रूप से हमें दीजिए, उसकी एप्लीकेशन दीजिए, तो हम उस पर भी देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, उसकी भी जिला अधिकारी को भी दीजिए, हमको भी दीजिए, तो हम उस पर देखते हैं क्या हो सकता है। और दूसरा भी आपके सामने एक छोटा सा एक केस आया है कि एक पत्नी जो है उसके अपने पति से नहीं पटती थी, उसके वो अलग हो गई, उसने अपनी बच्ची को किसी को एफिडेविट में गोदनामा जानने वालों को दे दिया कि बच्ची आप रख लो, नहीं पाल पा रही होगी या कुछ भी होगा। 2 महीने की बच्ची थी जो दे दी गई है, अब जो 1 साल से ऊपर हो चुकी है बच्ची उनके पास, तो हमने कहा आप मुझे एप्लीकेशन दीजिए, दोनों को बुला के बात की जाएगी बच्ची किसके पास रहेगी किसके पास नहीं। जो CWC नहीं कर पा रहा, तो हमने कहा आयोग के पास भेज दो या अपना फैसला कोर्ट के थ्रू कर दो, जैसा भी हो बता दो। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।